दोस्तों, क्या आपको पता है कि कलयुग में इतना ज्यादा पाप होने के बावजूद भी आखिर क्यों विष्णु पुराण में इसी युग को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है? दरअसल सनातन धर्म और वेदों में चार युगों की मान्यता है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग शामिल है, और उसमें से भी कलयुग का कालखंड यानी कि टाइम लिमिट सबसे छोटा माना गया है। और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में सबसे बढ़िया कौन है, तो ऋषि ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए जानते हैं वेदव्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा है कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य एक साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में एक महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र एक दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। दोस्तों, क्या आप भी तप और व्रत दोनों का पालन करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा।